हाँ जी बच्चों, हमने पीएन डायोड डिस्कस कर लिया था और पीएन डायोड की यूजेज जो है एज ए रेक्टिफायर कर लिया था, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक बच गया है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, वो है ट्रांजिस्टर, है ना। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब जब हम इसको पढ़ेंगे तो, है ना। हाँ, इसमें तीन क्रिस्टल होते हैं, तीन क्रिस्टल्स होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। और ये जो तीन क्रिस्टल्स होते हैं, ये तीनों जो क्रिस्टल्स हैं इनमें या तो पीएनपी होता है या एनपीएन होता है। तीन क्रिस्टल्स कैसे, पीएनपी या एनपीएन। क्या होता है मैं बताता हूं आपको, कि जैसे ये आपका अगर तीन क्रिस्टल बनने हैं, एक बनता है सबसे पहले वाला पी, बीच वाला एन, बेचारा होता है ये पी होता है, करेक्ट। यहां पर एनपीएन, एन पी एन, राइट। अच्छा, अब एक्चुअल में ये तीन क्रिस्टल नहीं होते हैं, ये बनाने की टेक्निक होती है, एक ही क्रिस्टल से तीन बना दिए जाते हैं। कैसे, जैसे हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम के एक पीस को गर्म किया, गर्म करके एक ट्राइवेलेंट पाउडर हमने लेफ्ट साइड में छिड़का, राइट। पेंटावेलेंट हमने बीच में थोड़ा सा छिड़का और ट्राइवेलेंट हमने राइट साइड में छिड़का। इसी तरीके से यहां एनपीएन बनाना है तो पेंटावेलेंट हमने लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्प्रे किया, ये हमने बीच के अंदर ट्राइवेलेंट स्प्रे किया और ये किया और फिर प्रेस कर दिया। तो एक ही क्रिस्टल से बनाया जाता है, लेकिन होती इंप्योरिटी तीन तरह की। इसको हाईएस्ट डोपिंग की जाती है ना, इसे एमिटर कहते हैं, बीच वाले को बेस कहते हैं, इसको कलेक्टर कहते हैं। ये अमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, है ना। हाँ जी, अमीटर की डोपिंग जो है ना, ई फॉर एमीटर, है ना, हाईएस्ट डोपिंग की जाती है ना। हाँ, तो दैट इज मोस्ट डोप्ड, यही कहिए हाईएस्ट डोप्ड, है ना, हाईएस्ट डोप्ड, सबसे ज्यादा इंप्योरिटी मिक्स की जाती है इसके अंदर, है ना। अब देखिए, ये एमिटर जो है हाईएस्ट डोप्ड होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। मैं आपको फॉरवर्ड बायस का मतलब समझा देता हूं एक बार दोबारा, हालांकि पहले समझा चुके हैं। पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। कभी भी अगर एन को नेगेटिव से जोड़ा गया है और पी को पॉजिटिव से जोड़ा गया है तो आप समझ लीजिए फॉरवर्ड बायस है। कभी भी अगर एन को पॉजिटिव नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से जोड़ा गया है तो उल्टा बायस है फिर, मतलब पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस है। तो एमीटर जो है हाईएस्ट डोप्ड होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, है ना। हाँ, और सी जो है इसे हम कहते हैं कलेक्टर, सी जो है उसे कहते हैं कलेक्टर। ये पुअरली डोप्ड होता है, मतलब कंपेरेटिवली, है ना। हाँ, लिटिल लेस डोप्ड देन एमिटर, तो ये लिटिल लेस डोप्ड देन एमिटर होता है। और इसको हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ऑलवेज इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब होता है अगर P है तो आप इसको क्या करें, नेगेटिव देवे, अगर N है तो उसको पॉजिटिव देवे, डेट इज ऑलवेज इन रिवर्स बायस। सी जो आपका B है बेस, ये मोस्ट पुअरली डोप्ड, मतलब इसमें
जो इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है वो सबसे कम स्प्रे किया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने जितना स्प्रे किया उसका 2 या 3% यहाँ पर होता है। अगर आपने यहाँ पर 100 एटम डाले हैं या मान लो 1 मिलीग्राम या 1 माइक्रोग्राम डाला है तो यहाँ 2-4 नैनोग्राम डाल देते हैं, यहाँ पर उससे कम डालते इस वाले से। इसी तरीके से ऐसे होता है ना, तो बेस जो है मोस्ट पुअरली डोप्ड होता है, मोस्ट पुअरली डोप्ड, सबसे कम डोप्ड होता है, राइट। ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया। अब आप इसके बारे में थोड़ी सी बातें समझिए कि हम क्या करते हैं, एमिटर को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में करते हैं। तो देखिए मैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लूँ, है ना। तो बी जो है बेस है, तो एमिटर से स्टार्ट होता है करंट कैरियर्स। तो देखिए क्या है, सबसे पहली लाइन लिख लीजिए, करंट कैरियर्स स्टार्ट फ्रॉम एमिटर। करंट कैरियर्स का मतलब ईदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, करंट कैरियर्स स्टार्ट फ्रॉम एमिटर, फ्रॉम एमिटर एंड मोस्ट ऑफ देम क्रॉसेस बी, मोस्ट ऑफ देम क्रॉसेस बी, 90% 98% क्रॉस कर जाते हैं बी को, 2% 1-2% नहीं करते हैं, वो वेस्ट हो जाता है या वेस्ट में चला जाता है, राइट। करंट कैरियर्स स्टार्ट फ्रॉम ई, मोस्ट ऑफ देम क्रॉसेस बी, है ना। एंड सी एक्स एज कलेक्टर, है ना, कलेक्ट्स करंट कैरियर्स, कलेक्ट करंट कैरियर्स एंड सेंड देम बैक टू सर्किट, दोबारा से सर्किट पे भेज दिया जाता है, राइट। चलिए एक मिनट, ये दिखाई दे रहा है क्या, पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एंड सेंड देम टू द सर्किट, करेक्ट। हाँ थोड़ा सा ये जो है ना आपको ध्यान से समझना। अब देखिए मैं इसको वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करूंगा, है ना, हाउ ट्रांजिस्टर इज वर्किंग। तो देखिए मैं किसी भी एक ट्रांजिस्टर का सर्किट बना लो, आप पीएनपी का बना लो या एनपीएन का बना लो, चलो मैं दोनों का ही बना लेता हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जनरल सर्किट, सबसे सिंपल सर्किट बनाऊंगा मैं। देखिए क्या है, ये आपका P है, ये N है और ये P है, करेक्ट। देखिए ये आपका N है, ये P है और ये N है, N P N, इसे कहते हैं अमीटर, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं कलेक्टर, इसे कहते हैं अमीटर, इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं कलेक्टर। देखो यहां अमीटर P टाइप है, P टाइप इज मेजोरिटी करंट कैरियर्स आर होल्स, एन टाइप में मेजोरिटी करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में मेजोरिटी करंट कैरियर्स आर होल्स, एन में मेजोरिटी करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, पी में माइनोर मेजोरिटी करंट कैरियर्स आर होल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी, इसमें मेजोरिटी होल्स, राइट। अब देखिए हम सर्किट में कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि ई को रिवर्स बायस दें, इज नेवर टू गिव रिवर्स बायस, हमेशा फॉरवर्ड बायस देंगे। इसकी डोपिंग हमने सबसे ज्यादा की है, सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज में मिक्स किया, इसका मतलब सबसे ज्यादा होल्स इसमें होंगे, उसमें होल्स कम होंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, सबसे कम इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मैं इसकी डोपिंग कर रहा हूं, आप देखना, मैंने सॉरी करेक्ट कनेक्शन बना रहा हूं, मैं यहां से एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ूंगा, यहां से मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ूंगा, एक बैटरी होगी कोई, है ना, उसका नेगेटिव टर्मिनल जोड़ूंगा।
अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया, ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया, यहां पर नेचुरल है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अलग अलग बैटरी होती है, अलग अलग बैटरी होती है, ये आपका बेस होता है, ये आपका बेस होता है। तो वर्किंग की बात करते हैं अपन, यहां से पॉजिटिव के कारण ये पी टाइप के होल्स जो होते हैं, ये होल्स जो होते हैं उधर की तरफ रिपेल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पर कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, होल्स अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स से, होल्स अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स से। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर होल्स पार कर जाते हैं क्योंकि बहुत ही कम होते हैं, तो इनमें मोमेंटम आता है और पार कर जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द होल्स यहां पहुंच जाते हैं। आप ये मान के चलिए जैसे अगर यहां से 100% आया, अप्रोक्स नॉट आई डोंट नो हाउ मेनी विल कम, है ना, 100% आया तो 1 या 2% इधर चला जाता है, 98% इधर चला जाता है ना, हाँ 98%। ये कोई कानून नहीं बन गया कि मैंने 98% लिख दिया, 98% ही जाता है, अलग अलग भी जा सकता है, है ना। हाँ मतलब मेरी बात को आप रिजिडली मत मान लेना। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, चेक करिए आप, नेगेटिव पॉजिटिव राइट, ये इस तरह से आ गया, ये आपका बेस होता है। यहाँ पे कुछ बेस यहां से निकल जाता है, देखिए ये होल है ना, तो ये डायरेक्शन बेस की आएगी क्योंकि इधर से होल निकलेंगे ना, और ये होल की फ्लो की डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन कहते हैं, करंट की डायरेक्शन कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं IE एमिटर करंट, इसको कहते हैं IB बेस करंट, इसको कहते हैं IC कलेक्टर करंट, है ना। तो फिर से आप देखिए यहां से ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन सारे उधर जाना चालू कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर होल्स बहुत कम होते हैं तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रुक पाते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पार कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स पार कर रहे हैं ना, तो देखिए करंट का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, इसको हम अर्थिंग करते हैं, यहां पर हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, यहां हम अर्थिंग कर देते हैं राइट, ये अर्थिंग हो गई। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैसे पार कर जाते हैं वहां से, तो अब इलेक्ट्रॉन्स उधर आ गए तो करंट फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, इसे कहेंगे IC, इसे कहेंगे IB, इसे कहेंगे IE, करंट फ्लो की डायरेक्शन राइट। हर हालत में ये चीज होगी, हर हालत में ये चीज होगी, आई इज इक्वल टू IB प्लस IC प्लस IC, ये हर हालत में होगा, हर हालत में, यानी ऐसा कभी होगा ही नहीं कैसा ना हो राइट। अब इसको हम कह सकते हैं डेल्टा IE इज इक्वल टू डेल्टा IB, चेंज हो तो है ना, हाँ चेंज हो तो डेल्टा IC कह देते हैं। अब देखिए अब हमारे को इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल की बात करते हैं। इनपुट सिग्नल यानी जो भी आप इनपुट डालना चाहते हैं वो यहां पर हम एक इसको ब्रेक करते हैं सर्किट को और यहां इनपुट डाल देते हैं। मैं देखो इनपुट का एक गोला बना देता हूं डिफरेंट कलर से, है ना, तो वो उसमें डाल देते हैं कनेक्ट, यहां से जैसे थोड़ा सा वायर को तोड़ा और इनपुट डाल दिया, इनपुट डाल दिया, यहां से थोड़ा सा वायर को तोड़ा और इनपुट डाल दिया, है ना, यहां से थोड़ा सा वायर को थोड़ा आउटपुट आ जाएगा, यहां पर आउटपुट आ जाएगा, समझिए आप, है ना। तो ये इनपुट हम कुछ भी सिग्नल जो हमारे पास में हो वो डाल सकते हैं, है ना, इनपुट सिग्नल, सॉरी आउटपुट, ये इनपुट है, यहां आउटपुट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा राइट, है ना। अच्छा अब देखिए रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ट्रांजिस्टर, तो रिप्रेजेंटेशन, ये आपको ये सवाल पता है क्या होते हैं, ट्वेल्थ में तो आपको सीधे ही पूछ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड में तो, कि ये PNP कौन सा है, NPN कौन सा, इवन कंपटीशन में पूछ लेते हैं, नीट लेवल कंपटीशन में पूछ लेते हैं कौन सा PNP है कौन सा NPN है, तो रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं आपको, और इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन देखना, मैंने एक सर्कल बनाया, रिप्रेजेंटेशन को समझो बेटा, मैंने एक सर्कल बनाया,
ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, बेस। यहां से एक लाइन आई, ये आपका एमिटर है ई, ये है बी, बी और ये है सी, ये है ई, ये है बी और ये है आपका सी, राइट। ऐसा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स, देयर इज नो डिफरेंस लुकिंग राइट नाउ, है ना, अभी तक तो कुछ डिफरेंस नहीं रहा, लेकिन अब देखो डिफरेंस अब आएगा। एक्चुअल में पी से एन की तरफ जो करंट फ्लो होता है वो ऐसे करंट फ्लो होता है, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, यहां से करंट ऐसे फ्लो होता है, करेक्ट। तो पता है हम क्या करेंगे, एरो लगाते हैं एमिटर वाले पर, एमिटर वाले पर एरो लगाते हैं, कलेक्टर पर कभी एरो नहीं लगाया जाता, तो ये एरो आपको लगाना है, बस दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। इफ एरो इज इनवर्ड इट इज पी एन बी, इफ एरो इज आउटवर्ड इट इज एन पी एन, बस। यानी आप केवल देख करके फैसला कर सकते हो कि पी एन पी क्या होगा, एन पी एन क्या होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट, है ना, तो थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट की बात कर देता हूं मैं, तीन तरह के सर्किट बनाऊंगा मैं, यहां लिख देता हूं, फिर आप ये हम बोर्ड साफ करके सर्किट बनाएंगे, है ना। थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट, थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट, देखिए थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट में सबसे पहले मैं बनाऊंगा कॉमन एमिटर, कॉमन बेस बनाएंगे सबसे पहले, है ना, कॉमन बेस बनाएंगे सबसे पहले, फिर नंबर टू पर बनाएंगे कॉमन एमिटर, और नंबर थ्री पर बनाएंगे कॉमन कलेक्टर। तीनों तरह के सर्किट मैं बनाऊंगा और इसमें आपको मैं सर्किट जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे वैसे आपको इसकी कंसेप्ट को पकड़ना है कि कैसे सर्किट बनेगा, याद नहीं करना, याद नहीं करना, याद करोगे ना तो परेशान हो जाओगे सर्किट को, जहां जहां याद करना है वहां वहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये याद करना है ना। जैसे एक वो फॉर्मूला था ए टी रेस टू पावर 3/2 ई रेस टू पावर माइनस ई जी अपॉन 2 KT, मैंने कहा याद करना है, बहुत कम जगह मैं याद करने के लिए बोलता हूँ, ज्यादातर जगह मैं समझने के लिए बोलता हूँ, तो आप समझेंगे ना तो आपको वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगी, है ना। तो कॉमन बेस सर्किट बनाएंगे, कॉमन एमिटर सर्किट बनाएंगे, कॉमन कलेक्टर सर्किट बनाएंगे, याद कुछ नहीं करेंगे, है ना। हाँ तो अभी मैं बनाता हूँ, देखो 2 मिनट प्लीज गिव मी टाइम। अच्छा तो ध्यान दीजिए, हम बनाएंगे सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन सर्किट, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन सर्किट, आप देखेंगे कि कुछ भी आपको याद नहीं करना बट सर्किट सारा बन जाएगा, है ना, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन सर्किट। देखिए कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन सर्किट मैं दोनों के लिए बना देता हूं, पीएनपी के लिए बना देता हूं, एनपीएन के लिए बना देता हूं, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं पीएनपी के लिए बना रहा हूं कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन सर्किट, बेस है बेटा, बेस को कॉमन रखें, एमिटर एंड कलेक्टर है, चेक करिए क्योंकि पीएनपी ले रहे हैं ना हम सबसे पहले, हाँ पीएनपी का बना रहे हैं, लिख देते हैं पीएनपी, वैसे ना लिखे ना तो भी चलता है क्योंकि एरो इज इंडिकेटिंग दैट इट इज पीएनपी, पीएनपी का मतलब ये ई है और ये सी है और ये बी है और ये है ना पी, पी टर्मिनल है, यानी कि हम यहां पे पॉजिटिव सिग्नल देंगे, पॉजिटिव सिग्नल देंगे। आप देखिए मैंने ऐसा क्या किया है, यहां पे ये मैंने यहां पे एक स्पेस छोड़ दिया है ना, यानी यहां हम कुछ कनेक्ट करेंगे, समथिंग वी विल डू हियर, है ना। इसी तरीके से अब यहां पर पॉजिटिव इधर आएगा, है ना, क्योंकि रिवर्स बायस देना ना उसको, नेगेटिव इधर आएगा, करेक्ट। अच्छा यहां भी हम कुछ छोड़ेंगे जगह, अब आप कहोगे सर छोटी सी जगह क्यों छोड़ रहे हो, ये एक्चुअल में हमारा यूज है ना, हमने इतना सारा मेहनत की क्यों की,
हैं, फालतू में तो कुछ करते ही नहीं। तो ये यहां पे हम इनपुट सिग्नल डालते हैं, क्या डालते हैं हम इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल यहां हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है, आउटपुट सिग्नल। अब आप देखो ये इनपुट सिग्नल क्या होता है, आउटपुट सिग्नल क्या होता है, ये आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, राइट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इनपुट सिग्नल क्या होता है, क्या क्या हो सकता है इनपुट सिग्नल, तो मैं बताता हूं इनपुट सिग्नल क्या क्या हो सकता है। स्पीच ऑफ एनीबॉडी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया है, यहां डाला, वहां से हम जो आउटपुट चाहते हैं वो निकलेगा। जो भी आप कहेंगे हैं प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को यहां कैसे डालेंगे, उसका एक प्रोसेस है, पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है, उसमें हम एक वो लेते हैं फोटो सेल काम में लेते हैं, फोटो सेल काम में लेते हैं, राइट। तो हम उसको पहले एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यहाँ डालते हैं, करेक्ट, और वो हमें आउटपुट मिलता है ना। आप लोगों को जब आप आईआईटी में जाएंगे या जहाँ भी, तो वहाँ आपको ये सब पढ़ाएंगे, मतलब इसकी डिटेल चीज़ें पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा, राइट। फिलहाल आप ये समझिए कि इनपुट सिग्नल कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्पीच, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ पल्सेशंस, इट कैन बी हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट, पेशेंट की हार्ट बीट हो सकती है, इट कैन बी वर्किंग ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई सिग्नल हो सकता है ब्रेन का, कुछ भी हो सकता है, कुछ है ना। हाँ, इसी तरीके से जैसे मान लो कोई वाइब्रेशंस हो रहे हैं, हम वाइब्रेशंस को एनालाइज करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी इनपुट सिग्नल, दैट कैन बी आउटपुट सिग्नल, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ भी सिग्नल डाल देते हैं। अब देखिए ठीक है, सिग्नल वगैरह तो हम डाल ही देंगे, है ना। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये है आई ई, ये है आई बी, और यह है आईसी, करेक्ट। अब यहां सबसे खास बात यह है कि यह तो पक्का ही हो गया कि आईई बराबर आईबी प्लस आईसी होता है, ओके, है ना। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं डेल्टा आईई बराबर डेल्टा आईबी प्लस डेल्टा आईसी, ये हो गया, करेक्ट। तो अब ये आपके पास में आ गया ये सिग्नल। अब देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट हमने बनाया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट बनाया। चलिए उधर हम एक बार एनपीएन का बना देते हैं ना, एनपीएन का बना रहे हैं, राइट। आप थोड़ा देखना, एनपीएन एक गोला बनाया है ना, अब ये आपका बेस है, वो आपका एमिटर सर्किट है, एमिटर है, ये आपका कलेक्टर है ना। देखो ध्यान दो यहां से क्या होगा कि अब ये जो है ना, हम एरो ऐसे बनाएंगे, ऐसे, दिस एरो इज इंडिकेटिंग दैट इटसेल्फ इज एनपीएन, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब देखो आप यहां से फिर मैं एक छोटा सा स्पेस छोड़ूंगा इनपुट सिग्नल के लिए, और यहां पे मैं अब एनपीएन है ना, तो यहां नेगेटिव सिग्नल दूंगा, राइट। और यहां से मैं फिर से ये सी है ना, तो उसको मैं पॉजिटिव सिग्नल दूंगा उधर की तरफ, राइट। यहां से फिर मैं छोटा सा स्पेस छोड़ूंगा आउटपुट सिग्नल के लिए, राइट, इनपुट सिग्नल। देखिए आउटपुट सिग्नल, करेक्ट। चलिए अब ये आपका तैयार हो गया है इस तरह से। अब देखो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपको क्या करना है, इसको वो देगा ना है, उसको उल्टा देना है, क्योंकि वो एन है, एन को उधर उल्टा देना है, इधर एन को नेगेटिव से जोड़ना है, ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। अच्छा, अब देखिए आपका जो सर्किट आएगा ना, वो ऐसे करंट आ रहा है आई, वहां का करंट अलग आ रहा था। देखिए
वहां करंट ऐसे जा रहा था, आई है ना, उधर जा रहा था करंट, यहां करंट ऐसे आ रहा है, एंड इट ऑटोमेटिकली विल कम ना, ऐसे है तो ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा भी, और ये ऐसे जाएगा ऐसी, करेक्ट, चीज वही है सारी की सारी, आई बराबर आई बी प्लस आई सी, डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई सी, ये मुझे लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूंगा एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ना, तो देखिए मैं आपको कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात कर रहा हूं, कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कभी कभी इसको रेशियो भी बोल देते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन रेशियो और फैक्टर है ना, कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेल्टा आई ई का भाग लगा दे रहा हूं मैं पूरे इक्वेशन में, दिस इक्वेशन, तो आई एम डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डेल्टा आई ई, ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डेल्टा आई ई, तो देखो डिवाइड इक्वेशन वन बाय डेल्टा आई ई, डिवाइड करो तो मैं कहूंगा इसको वन इक्वल टू, आप डिवाइड चेक करना, वन इक्वल टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई ई प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, है ना, ये हो गया जी। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या चीजें क्या क्या हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका हो गया, जो जो चीजें जो जो हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपको एक एक चीज नोट करनी है, एक एक चीज नोट करनी है। देखो ये जो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी है ना, डेल्टा आई है, इसको हम अल्फा कहते हैं, ध्यान देना मैं यहां पे लिख रहा हूं, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, इसे हम अल्फा कहते हैं, इसका नाम है कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर ये नाम है इसका अल्फा का, राइट, डेल्टा आई से अपॉन डेल्टा आई को अल्फा कहते हैं। अच्छा बट यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि डेल्टा आई ई, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, बिकॉज डेल्टा आई बी इज नीदर इनपुट नॉर आउटपुट, डेल्टा आई बी जो है ना, ये डेल्टा आई बी लिखो इसको, तो डेल्टा आई बी इज नथिंग, डेल्टा आई बी इज नीदर इनपुट नॉर आउटपुट है ना, तो हम उसको जो है ना यहाँ पे इनपुट या आउटपुट में नहीं लेते, राइट, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कॉमन कलेक्टर सर्किट, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अब आप कहेंगे सर ये तो कलेक्टर आया ही नहीं यहां पे, मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर, देखिए हमेशा आप ये बात ध्यान रखिए कि यहां पर मैं लिख देता हूं इस चीज को, ऑलवेज ऑलवेज ये कभी भी गलत नहीं होगी ये वाली बात है ना, क्या आई ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई सी इज ग्रेटर 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 देन आई बी है ना, तो इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं डेल्टा आई ई विल बी ऑलवेज मैक्सिमम एंड डेल्टा आई सी विल बी लेस देन डेल्टा आई सी विल बी लेस देन डेल्टा आई ई, हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा, आई बी तो बेचारा होता है, आई भी तो बेचारा होता। चलिए जब ऐसा है तो हम जरा इसको चेक करते हैं कि क्या होने वाला है, आप यहां पर चेक करना,
देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ इसको, इसको मैं लिखने वाला हूँ कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, है ना। तो कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो अल्फा होता है, अल्फा जो होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, इट इज ऑलवेज लेस देन वन, इट इज ऑलवेज लेस देन वन, कभी भी ये एक से ज़्यादा नहीं होता, तो इट इज ऑलवेज लेस देन वन, है ना। एंड ये जो है इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, तो गामा इज डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, इट इज वेरी ग्रेटर देन वन, इट इज वेरी ग्रेटर देन वन। ओके, हम एक बार इनका जो है ना डेरिवेशन दोबारा भी करेंगे अभी एक बार कंप्लीट करने के बाद में। तो देखो आपके पास में ये क्या आया, यहां से आप इक्वेशन लिखिए वन इक्वल टू, वन इक्वल टू ये है वन अपॉन गामा और वो है अल्फा, वन अपॉन गामा और अल्फा। तो मैं एक बार ऐसा करूं वन अपॉन गामा को उधर ले जाता हूं, है ना, या अल्फा को उधर ले आता हूं, वन माइनस अल्फा इक्वल टू वन अपॉन गामा, तो गामा इज व्हाट, वन अपॉन वन माइनस अल्फा, अल्फा इज लेस देन वन बट अप्रोक्सीमेटली वन, इट इज वेरी क्लोज टू वन। जैसे हम अल्फा को अगर मान लो इफ 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 अल्फा इज 0.98, अगर अल्फा 0.98 हो, 0.98 यानी कि 98% जो है ना कलेक्टर है और 2% जो है मतलब सॉरी 100% आई है, तो 98% उधर चला जाएगा आई में, तो 0.98 है, तो देखो क्या होगा गामा, गामा क्या जाएगा, ये सवाल बहुत आता है, बहुत आता है, 1 माइनस 0.98, तो ये 49 आ जाएगा गामा, गामा 49 आ जाएगा, तो इट इज वेरी ग्रेटर देन वन, करेक्ट। चलिए अब अपन बात करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। अब हम बात करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट इज वाइडेस्ट यूज सर्किट, मतलब उसी को ज्यादातर यूज किया जाता है ना। तो देखिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, तो देखो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट की बात जब हम करेंगे तो मैं एक मिनट जरा इसको मैं बनाऊंगा, आप देखना क्या क्या करते हैं, वही सब कुछ करेंगे जो हमने अभी कॉमन बेस में किया था, लेकिन अब की बार हम थोड़ा सा टेक्निकली एमिटर को हम कॉमन बना देंगे। देखिए कैसे बना रहा हूं मैं, आप चेक कर लें, बेस को हमने साइड में निकाल दिया, एमिटर को हमने बीच में निकाल दिया, राइट, सी को हमने यहां निकाल दिया। अब मैं एक काम करूंगा, किसी भी एक का बनाऊंगा सर्किट, मतलब दोनों सर्किट नहीं बनाऊंगा, है ना, दोनों सर्किट नहीं बनाऊंगा, यानी कि आप समझ ही जाएंगे, वो तो एक बन गया तो बस बाकी का बन ही जाएगा। तो देखिए मैं सबसे पहले पीएनपी बना दे रहा हूं यहां पर, फिर उधर की तरफ मैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, उसमें एनपीएन बना दूंगा, है ना। पीएनपी में क्या होता है सब, एमिटर से करंट एंट्री करता है ना, हाँ एमिटर से करंट एंट्री करता है, ऐसे होता है, ध्यान दीजिए वहां एरो नहीं लगाया जाता है, ये बात गलती मत कर देना, नंबर कट जाएंगे, जैसे बोर्ड में आपके क्वेश्चन आया है ना और सवाल पूछा गया कि भैया इधर से तो उधर से, अब आपने एरो यहां भी लगा दिया वहां भी लगा दिया तो गलत हो गया, काट के जीरो नंबर दे देगा, बोर्ड में नंबर नेगेटिव तो नहीं होते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, कंपटीशन में भी ऐसा हो सकता है कि वो कलेक्टर पर एरो लगा दे तो वहां भी गलत हो जाएगा, माइनस एक नंबर हो जाएगा, यानी आपको सावधान रहना है। ये रहा कॉमन एमिटर सर्किट, इसका वाइडेस्ट यूज जैसे मैं बोल चुका हूं यहां से, अब देखना मैं यहां पे सबसे पहले सेल का अरेंजमेंट कर देता हूं, बिकॉज कॉमन एमिटर सर्किट, एमिटर इज ऑलवेज टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, ये आपको पीएनपी दिख गया, इसका मतलब आप ऐसा करिए, प्लस प्लस खत्म। चलिए जी अब देखो आप
ये माइनस है, ये माइनस है। यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं आउटपुट सर्किट आउटपुट सिग्नल के लिए, यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं इनपुट सिग्नल के लिए। अब देखो ये आपका सर्किट हो गया, यहां से आपका जो करंट है वो ऐसे आता है, ऐसे आता है ना, यहां से आपका करंट इस तरह से आएगा, यहां आपका ये अर्थ रहता है। अब देखो आई जो है ये बराबर होता है आई बी प्लस आई सी, है ना, नेचुरल है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। ठीक है ना। अब आप इस चीज को जरा जांच करिए कि मैं इसमें डिवाइड करूंगा वापस से वैसा ही खेल, मतलब वो करूंगा मैं, अब की बार में फिर से इसको डेल्टा आई से डिवाइड कर दे रहा हूं, है ना, राइट। अच्छा डेल्टा आई से डिवाइड करूंगा तो वापस से वही आ जाएगा, तो मैं कुछ अलग करूंगा। हाँ देखिए मैं इसको डेल्टा आई सी से डिवाइड कर रहा हूँ, डेल्टा आई सी से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी इट इज इक्वल टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई सी प्लस वन राइट। तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन डेल्टा, ये आ जाएगा आपका वन अपॉन एल्टा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैं कहूंगा वन अपॉन बीटा, इसको मैं कहूंगा प्लस वन राइट। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज दिस अल्फा व्हाट इज दिस बीटा, है ना। देखिए मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, उधर की साइड में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट को डिस्कस करूंगा राइट। तो आप ध्यान दीजिए हो क्या रहा है, इस अल्फा को मैं कहूंगा, अल्फा को मैं बोल चुका हूं ना पहले, डिफाइन कर चुके हैं हम अल्फा को, चलिए फिर कर देते हैं दोबारा। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, इसे कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन, कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये आपका अल्फा है करेक्ट। अब मैं जरा बीटा की बात कर लू, बीटा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बोलेंगे इसको, है ना, ये आएगा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अभी थोड़ी देर बाद में जब हम ये कॉन्फ़िगरेशन सर्किट कर लेंगे तो वी विल कम बैक ऑन दिस एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स वंस अगेन राइट, देन द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। या अब आप जरा इसको लिखिए, तो मैं वन अपॉन अल्फा को लिख सकता हूं बीटा एलसीएम वन प्लस बीटा, तो आपका बीटा क्या आ जाएगा, नहीं नहीं अल्फा, अल्फा क्या जाएगा, अल्फा जाएगा बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, सो इट इज ऑब्वियस लेस देन वन, है ना। हाँ एंड व्हाट विल कम बीटा, आई थिंक वन अपॉन बीटा विल बी वन अपॉन अल्फा माइनस वन, सो बीटा विल कम आउट दिस, है ना, वन अपॉन बीटा, ये वन अपॉन अल्फा उधर चला जाएगा तो अल्फा एलसीएम आ जाएगा। आप चेक करना अल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा, अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा करेक्ट, दिस विल बी बीटा, इट विल बी ग्रेटर देन वन, इट विल बी ग्रेटर देन वन करेक्ट। चलिए जी तो ये चीज आ गई। अब हम बात करेंगे, ये पूछते हैं आपके बोर्ड वाले बहुत पूछते हैं एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर एंड कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो आपको एस्टैब्लिश करना है राइट। ओके नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, कॉमन कलेक्टर
कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट। आप ध्यान दीजिए, जब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट की बातें हो रही हैं तो आई विल डू इट वेरी डिफरेंटली, है ना। और मैं पता है कैसे करूंगा, बस वही उसको कलेक्टर को बनाएंगे मेन, है ना। हाँ, आप ध्यान देना, बेस को हम इधर रखेंगे, एमीटर वहां निकलेगा, कलेक्टर यहां आएगा, राइट। चलिए, ये आपका बेस हो गया, कलेक्टर यहां आ गया, है ना। अच्छा, कौन सा ट्रांजिस्टर बनाना है इसको, एनपीएन बनाने की इच्छा हो रही है क्या? हाँ, तो एनपीएन में आपका करंट आउट जाता है, इधर की तरफ जाएगा। एरो हमेशा एमीटर वाले पर लगाना है, कभी किसी और पर मत लगा देना, राइट। ये आपका आई ई आएगा इधर, यहां हम इसके अंदर आउटपुट सिग्नल लेंगे, और ई पर आपको फॉरवर्ड बायस देना है, ये ध्यान रखिए, ई पर आपको फॉरवर्ड बायस देना है, ये प्लस है, ये माइनस है, है ना। अच्छा, कलेक्टर को आपको रिवर्स बायस ही देना है, क्योंकि ये एनपीएन है, एनपीएन है ना, एनपीएन है, तो कलेक्टर जो है वो एन है, कलेक्टर एन है, तो यहां पर प्लस लिखो, क्योंकि कलेक्टर को मस्ट है फॉरवर्ड बायस, वो ये रिवर्स बायस देना, है ना। सर्किट वो करंट फ्लो नहीं होगा, नहीं तो एक्चुअल में वो जो चार्ज करंट कैरियर्स जा रहे हैं उन करंट कैरियर्स को उधर कलेक्ट करना वाला भी चाहिए, पकड़ने वाला भी चाहिए। जैसे मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन गए, तो भैया उधर वो खींचने वाला भी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, तभी तो जाएगा, ये बात है। ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल, करेक्ट। एक बात, अब ये आई ई है और ये आई बी है और ये आई सी है, ओके। हाँ, बस ठीक है, आपकी वही चीज होगी वापस से, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, राइट। तो वापस से हम इसको बोलेंगे कि इट इज डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, है ना। ये आपका आ गया। अब आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा आई बी से डिवाइड कर दो, है ना। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी बराबर वन प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, ऐसा कोई भी एम्प्लीफिकेशन फैक्टर नहीं है, नीदर कॉमन बेस नॉर कॉमन कलेक्टर नॉर कॉमन एमिटर, जिसमें डेल्टा आई बी न्यूमरेटर में आता हो। डेल्टा आई बी न्यूमरेटर में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा आई बी इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट यूज इज नो सेंस, है ना। तो वो हम जो है ना डेल्टा आई बी को इनपुट में रखते हैं लेकिन आउटपुट में नहीं रखते, डेल्टा आई बी को आउटपुट में नहीं रखते, इनपुट में रख सकते हैं। तो इनपुट में हम रख देंगे, राइट, इनपुट में तो रखा भी है। आप देखिए, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सर्किट में हम आई बी को आउटपुट में नहीं रखते, क्योंकि बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही कमजोर होता है। अब इसको आउटपुट में रख के क्या तीर मार लोगे भाई, इसलिए डेल्टा आई बी कभी भी न्यूमरेटर में नहीं आएगा किसी में भी। अभी मैं आपको इसको याद अभी समझा देता हूं, जिससे आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक निकल करके आएगा। चलिए, अब ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी है ना, हाँ, इसको मैं गामा कह देता हूं, और ऑफकोर्स इसको मैं कह दूंगा वन प्लस बीटा, खत्म बात, ये लो जी। वापस से वही बातें कर दो, है ना, क्या गामा इक्वल टू क्या डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी, ये है कॉमन कलेक्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और बीटा इज व्हाट, बीटा इज डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी,
इट इज कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन फैक्टर, राइट। चलिए अब हम ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर, आपको सर्किट्स जो है ना समझ में आ गए कैसे कैसे करना है, आपको सर्किट्स याद नहीं रखने बिल्कुल भी, जीरो मेमोरी होनी चाहिए, अपने आप बनना चाहिए सिस्टम से। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है E इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, ये कंसेप्ट है ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब आप जान गए हैं, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है P पॉजिटिव दो और N नेगेटिव दो, ये फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है। कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस, बस आपका सर्किट अपने आप बन जाएगा। और पूछते हैं आपको, मैं बताऊँ बोर्ड एग्जाम में तो ये पूछते ही पूछते हैं, मेक दी ड्रॉ अ नीट एंड क्लियर डायग्राम ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन फैक्टर, राइट। अब आप याद रखेंगे तो गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर आपने एक भी जगह टर्मिनल उल्टा पुल्टा लगा दिया, रट्टाफिकेशन में तो उल्टा पुल्टा लग ही जाता है ना, कंसेप्ट में बिल्कुल सही जाके लगता है हमेशा, आप गलत होते ही नहीं हो, राइट। इसलिए याद मत करो, समझ गए। चलिए अब मैं इन तीनों कॉम एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स को एक बार दोबारा से मतलब कर रहा हूं और एक साथ करूंगा तीनों को। हाँ, अब हम बात करेंगे एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना, और उसके बाद में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, हाउ इट इज वर्किंग। तो देखिए एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर देखो जी, एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तो देखिए ये बात तो आपको हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंफर्म है कि IE इक्वल टू IB प्लस IC, ये तो हर बार के लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा IE बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। आप थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करें, एक्चुअल में क्या होता है कि एग्जाम में आपसे वो सीधे सीधे ये सवाल भी पूछेंगे कि हाउ मेनी एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डिड्यूस देयर एक्सप्रेशंस, तो एक्सप्रेशंस को आपको डिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके पास में सबसे फर्स्ट स्टेप आया कि वी नो दिस, है ना, वी नो दिस, राइट। जब मैं आपको ट्वेल्थ बोर्ड की तैयारी कराऊंगा, जैसा हमने कहा जनवरी फरवरी में करेंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस करेंगे, सारे पॉसिबल डेरिवेशंस करेंगे, तो वो एक हम आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आई एम डिवाइडिंग दिस बाई आई सी, है ना। तो देखो सबसे पहले मैं इसको डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी कर दे रहा हूँ, इसको हम डेल्टा आई बी प्लस वन आ जाएगा, राइट। और डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी वन अपॉन एल्फा आ जाएगा, ये वन अपॉन बीटा आएगा और ये प्लस वन आएगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट बीटा इक्वल टू वन प्लस बीटा, ये बीटा एल्शियम आ जाएगा, वन प्लस बीटा आ जाएगा। अब देखिए ये एक फर्स्ट एक्सप्रेशन है जिसका डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, वो है ना, ये कह देंगे प्रूव एल्फा इक्वल टू दिस, आपको इक्वेशन लिख देंगे प्रूव एल्फा इक्वल टू दिस, है ना, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस लेस देन वन, एल्फा इज लेस देन वन, तो ये एकदम क्लियर कट बात है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपके पास में एल्फा आ गया, बीटा को भी आप रिवर्स कर सकते हो इधर, है ना। हाँ, तो देखो वन अपॉन बीटा इक्वल टू वन अपॉन एल्फा माइनस वन, तो इट विल बी एल्फा एल्शियम और वन माइनस एल्फा, सो ऑफकोर्स बीटा इज वट एल्फा अपॉन वन माइनस एल्फा, दिस बीटा इज ग्रेटर देन वन, राइट। ये तो आपके एल्फा और बीटा में रिलेशन आ गया। नाउ द थर्ड वन दैट इज द कॉमन, हाँ इनके नाम क्या क्या हैं वो आप लिख लीजिए, है ना। तो देखो एल्फा का नाम क्या है, अल्फा का नाम है कॉमन बेस
एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बीटा का नाम है, बीटा का नाम है कॉमन, बीटा क्या है ये रहा ना, कॉमन अमीटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कॉमन अमीटर एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब आप देखो ये थोड़ा सा नेमिंग का जो है ना ये भी बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है। देखो कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसमें बेस आता ही नहीं है, देखो बीटा बराबर है ना, हाँ मैं लिख भी देता हूँ उनको, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये होता है डेल्टा आई सी अपॉन आई ई। आप देखिए इसमें आई नहीं रहा, बी नहीं आ रहा, जो कॉमन है वो नहीं आएगा है ना। अब कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में आ रहा है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। डेल्टा आई बी कभी भी न्यूमरेटर में नहीं आएगा, डेल्टा आई बी कभी भी न्यूमरेटर में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में आउटपुट अपॉन इनपुट होता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट कैन नॉट बी आई बी, इनपुट तो आई बी हो सकता है राइट। तो ये आपका बीटा आ गया। गामा, गामा होता है कॉमन कलेक्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसमें अब आपके क्या आएगा, आई ई आएगा और आई बी आएगा, डेल्टा आई ई आएगा और डेल्टा आई बी आएगा। आपको ये चीजें जो है ना बड़े आराम से दिमाग में फिट हो जाएंगी। एक तो जो कॉमन है, कॉमन बेस है तो वहां पे बेस नहीं आएगा, कॉमन एमिटर है तो वहां एमिटर नहीं आएगा, कॉमन कलेक्टर है तो वहां कलेक्टर नहीं आएगा, एक बात। नंबर टू, आई बी विल नेवर कम, बेस करंट चेंज विल नेवर कम इन न्यूमरेटर, बी कभी भी न्यूमरेटर में नहीं आएगा, तो अपने आप याद हो गया, अपने आप याद हो गया राइट। चलिए अब हम इस गामा की बात कर लेते हैं, तो गामा के लिए हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को मैं यूज में लूंगा, आई विल यूज द सेम इक्वेशन एंड आई विल डिवाइड इट बाई बी। चेक करिए आप, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, मैंने आई बी से डिवाइड कर दिया, तो नाउ इट इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपली बिकमिंग डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, क्या बना, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी बन गया है आपका ये गामा, और ये हो गया वन प्लस बीटा है ना, बीटा यस करेक्ट, वन प्लस बीटा। अब आप एक चीज क्लियर हो गई है यहाँ पे कि जो आपका ये है वन प्लस बीटा, कि बीटा इज लेसर देन गामा, करेक्ट। तो देखिए हमारा रिजल्ट ये निकल के आता है कि गामा इज ग्रेटर देन बीटा, इज ग्रेटर देन अल्फा एंड इट इज ग्रेटर देन वन, सॉरी लेस देन वन, अल्फा इज लेस देन, ये असली बात है, ये रिजल्टेंट फिगर में है बात। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है ना, ये यूज है, यूज है, यूजेज ऑफ ट्रांजिस्टर है ना। तो सबसे पहला यूज है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है जी। तो देखिए ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम कॉमन बेस का यूज नहीं करते, कॉमन बेस का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि लेस देन वन एम्पलीफिकेशन होता है, तो भाई लेस देन वन एम्पलीफिकेशन थोड़ी ना यूज लेंगे हम, क्योंकि हम तो यूज किसको लेंगे, जो बढ़ा दे, जो बढ़ा दे। तो हम जो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में कॉमन बेस, कॉमन बेस इज नॉट यूज, कॉमन बेस इज नॉट यूज, क्यों, क्योंकि लेस देन वन है, एम्पलीफिकेशन लेस देन वन है राइट। कॉमन अमीटर इज वाइडली यूज, कॉमन अमीटर इज वाइडली यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तीन एरो तीन करेक्ट इंसान लगाती है, इसका मतलब कॉमन अमीटर ज्यादा यूज होता है। ओके okay?
एक मिनट जरा, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर जो है वेरी रेयरली यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, इसलिए इसको हम राइट का निशान लगा देते हैं। यूज तो होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है। एक्चुअल में कॉमन कलेक्टर के कम यूज होने का कारण है कि कॉमन कलेक्टर में लॉसेज बहुत ज्यादा होते हैं। कारण, वाई लॉसेज, आप देखो अभी अभी मैंने आपको सर्किट बनवाए हैं, सारे कॉन्फिग्रेशन सर्किट बनवाए हैं, बनवाए ना, आप सारे कॉन्फिग्रेशन सर्किट्स को चेक करो, कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन सर्किट, कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन सर्किट में ऐसा एक भी बैटरी लगी हुई नहीं है, एक भी बैटरी लगी हुई नहीं। आप देख लीजिए सर्किट आपके पास है ना, कॉमन बेस में और कॉमन एमिटर में ऐसी एक भी बैटरी लगी हुई नहीं है जहां पर जो करंट हो वो इस तरह से बह रहा हो कि बैटरी में लॉस से जा रहे हो ना। सपोर्टिव बैटरी है सारी की सारी, करंट बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहता है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है और नेगेटिव में एंट्री लेता है करंट। किसी भी बैटरी में, किसी बैटरी में करंट पॉजिटिव से बाहर निकलता है, नेगेटिव पे एंट्री लेता है और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट बहता है, राइट। आप देखेंगे कि कॉमन बेस में और कॉमन एमिटर में कभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉमन कलेक्टर में आप देखेंगे कि एक बैटरी ऐसी है जिसमें करंट रिवर्स बह रहा है, राइट, दैट इज दी बिग लॉस। तो हम कॉमन कलेक्टर का यूज नहीं करते। लेकिन एक बात और है, एक बात और है, क्या कि गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ये है, यानी कि गामा का एम्प्लीफिकेशन सबसे बड़ा है, यानी कॉमन कलेक्टर का एम्प्लीफिकेशन सबसे बड़ा है। तो भाई जब कॉमन कलेक्टर का एम्प्लीफिकेशन सबसे बड़ा है तो फिर हम कॉमन एमिटर को यूज में लेते हैं। कॉमन एमिटर को केवल ज्यादा यूज में लेने का कारण बड़ा सिंपल सा है, कारण बड़ा सिंपल सा है, वो कारण ये है कि लॉसेज नहीं होते, कॉमन कलेक्टर में लॉसेज बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी, फिर भी कभी कभी अगर हमें बहुत ज्यादा एम्प्लीफिकेशन चाहिए तो आप कॉमन कलेक्टर का यूज ले सकते हो, ले सकते हो, राइट। लेकिन हम बहुत रेयर यूज लेते हैं, तो आपके लेवल पर जो डिस्कशन है वो कॉमन एमिटर सर्किट तक लिमिटेड रहेगा, राइट। तो देखिए कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन सर्किट, कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन सर्किट, मैं कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन सर्किट को एक बार और बना रहा हूं, बहुत छोटा सा बनाऊंगा, है ना, कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन सर्किट। देखिए ये मैं जानबूझ के डायग्राम छोटा बना रहा हूं क्योंकि आप लोग अब एक्सपर्ट हो ही गए हो। अब आपको मैं इसमें NPN बना देता हूँ। अगली बार, पिछली बार हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट PNP बनाया था, इस बार मैं NPN बना देता हूँ। देखो जी, ये E है, ये B है और ये C है, राइट। अब मैं NPN बना रहा हूँ ना, NPN में क्या होगा, करंट एग्जिट आउट होगा, है ना, ऐसा पैरो आएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल डालेंगे, इनपुट, और यहां हम क्योंकि NPN है, NPN है तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस देंगे इधर और माइनस देंगे उधर, ये फॉरवर्ड बायस मिलेगा ना E को। इसी तरीके से यहां पर हम माइनस देंगे, यहां पर हम प्लस देंगे, यहां आउटपुट आएगा आपका, राइट, ये प्लस माइनस, करेक्ट, ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट आ गया, करेक्ट, आपका जो है यहां आउटपुट सिग्नल आएगा। अब देखिए तीन तरह के एम्प्लीफिकेशन की बात करेंगे, है ना, तो मैं एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहा हूं, है ना। सबसे पहला करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन आउटपुट अपॉन इनपुट, तो एम्प्लीफिकेशन इसको बोलते हैं A फॉर एम्प्लीफिकेशन, I फॉर करंट, करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट है आपका डेल्टा IC, इनपुट है आपका डेल्टा IB, तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, एंड इट इज ऑफकोर्स बीटा, इट इज बीटा, है ना। देखो कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा, वो यही है बीटा, राइट, ये आपका करंट एम्प्लीफिकेशन हुआ, करंट एम्प्लीफिकेशन। नाउ दूसरा हम बात करेंगे वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन,
वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन है ना। अब जब वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन की बात करेंगे तो ये ए भी आएगा, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। तो देखो मैं कर रहा हूं इसको, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन को आई आर, आई आर सी एंड आई आई सी आर सी एंड आई बी आर बी। इसका मतलब क्या है देखिए, वोल्टेज मतलब वी सी, इसको चलो एक बार हम ऐसे लिख देते हैं वी सी अपॉन वी बी, वी सी अपॉन वी बी, या इसको डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा वी बी लिख सकते हो ना आप, डेल्टा डेल्टा लगा सकते हो, डेल्टा 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 ऐसा कर सकते हो आप, है ना, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा वी बी आपका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। अब देखिए इस वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए वी, यानी वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, तो डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा वी बी, इसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा आई सी इंटू आर सी अपॉन डेल्टा आई बी इंटू आर बी। ये डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी को तो आप बीटा लिखते ही हो, आर सी माने रेजिस्टेंस अवेलेबल इन कलेक्टर सर्किट, आर बी माने रेजिस्टेंस अवेलेबल इन बेस सर्किट। तो मैं पता है इसको क्या बोलता हूं, इसको मैं यहां पे बोलूंगा ए आर, ए आर। अब ए आर क्या चीज है वो मैं बता देता हूं, ए आर क्या चीज है, ए आर है, ए आर है रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन, है ना। हाँ ए आर है रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन। एक्चुअल में क्या होता है, एक बहुत ऑब्वियस बात है, एम्प्लीफिकेशन रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन होता है आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आउटपुट। या एक काम करो इसको लिखो अच्छे से, पूरा ही लिख लो इसको जिससे चीजें क्लियर रहें, रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट जो है उसमें रेजिस्टेंस कितना होता है ना। तो देखिए रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन में हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट अपॉन रेजिस्टेंस इन इनपुट सर्किट, रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट, रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट एंड रेजिस्टेंस इन इनपुट सर्किट। अब मैंने एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। चलिए रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट अपॉन रेजिस्टेंस इन इनपुट सर्किट, तो ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस इन आउटपुट सर्किट अपॉन रेजिस्टेंस इन इनपुट सर्किट, ये आपका आ जाएगा आउटपुट कौन सा है आई सी आर सी, आर सी और आर बी, इसको हम ए आर बोलेंगे, करेक्ट। तो बीटा इंटू ए आर आ गया आपका वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, करेक्ट। चलिए अब मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूं, दैट इज पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन। पावर एम्प्लीफिकेशन एपी, एपी का मतलब होगा पावर। अच्छा चलिए हम पावर एम्प्लीफिकेशन, एपी मतलब पावर एम्प्लीफिकेशन, राइट, पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन। जब हमारे पास ये पावर एम्प्लीफिकेशन वाली बात आ गई ना, तो अब हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना।
तो देखिए जी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, हम इसको कहेंगे डेल्टा आई सी स्क्वायर इंटू आर सी, डेल्टा आई बी स्क्वायर इंटू आर बी, ये आपकी आउटपुट पावर आएगी। चेंज चेंज इन पावर होता है ना, तो आउटपुट चेंज अपॉन इनपुट चेंज है ना, राइट। चलिए इसको मैं कहूंगा बीटा स्क्वायर इंटू ए आर, ये आपका जो है ना पावर आउटपुट है, राइट। इस तरीके से तीन प्रकार से ट्रांजिस्टर को एम्पलीफाई किया जा सकता है, हम तीनों चीजें एम्पलीफाई कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के अंदर। ये तो चलो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता दी, जनरली क्या होता है एम्पलीफायर के अंदर कि हम किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, जैसे मेरा स्पीच है उसको एम्पलीफाई कर देता है, कैसे, माइक लगा रखा है, माइक कनेक्ट हो रहा है वहां से, है ना। अब होगा क्या रहा है, मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा बढ़िया उधर आएगा, तो वो एम्पलीफाई होकर के आता है। वैसे तो मेरी आवाज़ ही अपने आप में एम्पलीफायर है, ईश्वर ने आवाज़ ही ऐसी दी है, बहुत ज़ोरदार आवाज़ दी है, आवाज़ दी है बहुत अच्छी। तो ये जो है ना आउटपुट एम्पलीफाई होकर के आता है, कोई भी चीज़ एम्पलीफाई करके ला सकते हो आप, किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके ला सकते हो, कोई मान लो कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको आप एम्पलीफाई करके ला सकते हो। तो ये है ना जो है एम्पलीफाई किया जा सकता है इसको, राइट। चलिए तो ये आपका एम्पलीफायर आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज हैपनिंग एंड दैट इज कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग ऑसिलेटिंग, मतलब हमेशा ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, है ना। तो इट इज वेरी सिंपल, है ना। इसमें क्या होता है कि वी सिंपली टेक अ स्मॉल We simply take a small segment of output signal. We simply take a small segment of output signal to feed back into input signal. इनपुट सिग्नल यानी कि आउटपुट सिग्नल में से थोड़ा सा फीडबैक लेकर के इनपुट सिग्नल में डाल देते हैं, खत्म, वो काम हो गया। देखिए कैसे करते हैं, हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर का ही यूज करते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा यहां पे बना दूं क्या, बना देते हैं, या वहां बना दें, वहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, है ना। अब उसकी जरूरत तो है नहीं हमारे को कुछ, है ना। तो चलिए उसको मिटा देते हैं, हम वहीं बना देंगे, है ना। यस, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, मैं एक बंद कर देता हूं, इट इज नॉट अ बिग इश्यू। देखिए मैं सिग्नल बना, मतलब इसको सर्किट को बना रहा हूँ कि कैसे सर्किट काम करता है, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे मान लो ये आपका, हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट बनाएंगे, ये आपका बेस था, ये आपका ई है, हम एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, तो ये आउट आ जाएगा। कोई नियम नहीं है कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर लें, अगर आपको ज़्यादा इच्छा हो रही है पीएनपी ले लो, करेक्ट। चलिए अब देखिए होता क्या है कि हम इनपुट आउटपुट तो डालेंगे ही डालेंगे, वो तो कोई डाउटफुल बात है ही नहीं। यहाँ पे हमने इसको अर्थिंग कर दी, यहाँ आपका
क्योंकि ई है ना और एन है, इसलिए नेगेटिव सिग्नल आ गया यहाँ पे। चलिए ये आपका पॉजिटिव सिग्नल आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आ गया, ठीक है। चलिए अब आप देखो क्या होने वाला है आपका इनपुट आउटपुट। तो देखो इसमें क्या है कि अब आपका ये आउटपुट सिग्नल आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये आउटपुट तो आ गया, अब हम इस आउटपुट में से कुछ करेंगे। देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये इनपुट आ गया करेक्ट, ये आपका आउट इनपुट आएगा यहाँ पे, है ना, ये आपका आउटपुट आ गया राइट। अब देखो हम इस आउटपुट में से कुछ करने वाले हैं और फिर वो उसको जो करने वाले हैं ना उसको हम इनपुट पर डालने वाले हैं कुछ थोड़ा सा हिस्सा। देखिए यहां पे मैं एक ट्रांसफार्मर लगा रहा हूं, ट्रांसफार्मर लगा रहा हूं, आप देखना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है प्राइमरी में मतलब वो नंबर ज्यादा होंगे। और चलो एक मिनट यहां लगा देते हैं इसको, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ध्यान दो, ये आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया है मैंने। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये कोर है। तो ये ट्रांसफॉर्मर में कॉइल्स बहुत सारी हैं, आउटपुट सिग्नल को हम यहां डाल देते हैं इसके अंदर और यहां डाल देते हैं। तो ये आउटपुट सिग्नल निकल गया आपका उस ट्रांसफार्मर पर, उस ट्रांसफार्मर पर, है ना, मतलब वो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक छोटी सी कॉइल लेंगे, बहुत छोटी सी, बस इतना सा काफी है। अब हम इसको इनपुट में वापस जोड़ देंगे, सॉरी ये लो जी, ये लो, ये इनपुट में वापस जोड़ दिया। कुल मिला के होगा क्या मैं बताता हूं आपको। जैसे हमने यहां इनपुट सिग्नल तो हमने ओरिजिनल लिया था, ओरिजिनल इनपुट सिग्नल जो है ना उसको एक बार लेना पड़ेगा, तो मैं ओरिजिनल इनपुट सिग्नल यहां बना देता हूं। देखो ये ओरिजिनल इनपुट सिग्नल, दिस इज ओरिजिनल इनपुट सिग्नल। एक बार फर्स्ट टाइम पे हम जब ऑसिलेटर को स्टार्ट करते हैं, द मोमेंट वी स्टार्ट द ऑसिलेटर देन इट विल बी कंटिन्यूइंग ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये इनपुट है, हमने इनपुट सिग्नल दिया, एक बार इनपुट सिग्नल यहाँ आउटपुट एक्सा वो बन करके आ गया, बड़ा बन के आ गया सिग्नल। इनपुट सिग्नल वॉज वेरी स्मॉल एंड आउटपुट सिग्नल इज बिग एनफ राइट। आउट ऑफ दिस बिग एनफ आउटपुट वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल सेगमेंट फीडबैक टू इनपुट सिग्नल। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आउटपुट सिग्नल को एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर मतलब इनपुट कराते हैं और सेकेंडरी कॉइल जो है बहुत छोटी सी होती है इसके ऊपर से ये आउटपुट आता है और ये यहां आता रहता है, ये ऑसिलेशन होता रहता है होता रहता है होता रहता है। ये जो प्राइमरी कॉइल है अगर इसका इंडक्टेंस एल हो, इंडक्टेंस एल हो। अच्छा यहां एक चीज और होती है कि सर्किट में एक कैपेसिटर और लगाते हैं हम, है ना, सर्किट में कैपेसिटर और लगाते हैं। तो जैसे कैपेसिटर जो है वो आप कहीं भी इनपुट में भी लगा सकते हो, आउटपुट में भी लगा सकते हो, वो अपने आप फ्रीक्वेंसी मैनेज कर लेता है ना। तो कैपेसिटर हमेशा ऐसे लगाया जाता है, आप यहां लगा दो या वहां लगा दो, यहां भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए काम में आता है केवल। तो ये आपका एल है, ये आपका सी है। अब आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी ऑसिलेशन की, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर आएगी वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, वही फ्रीक्वेंसी जो हमने आपको पढ़ाई थी एसी सर्किट्स में। तो देखो कितनी आसान सी चीज है ना, ऑसिलेटर समझ में आ गया, ऑसिलेटर समझ में आ गया। तो वी सिंपली टेक अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आउटपुट सिग्नल टू फीड बैक इन टू इनपुट सिग्नल, है ना। तो देखिए फीडबैक फीडबैक कमिंग, फीडबैक
फीडबैक, फीडबैक रिसीव्ड, फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम, ये रिसीव्ड की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, आई मे बी रॉन्ग, है ना। हाँ, ये स्पेलिंग्स के मामले में मेरे को हमेशा डर लगता है ना। हाँ, फीडबैक सिग्नल, फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम आउटपुट सिग्नल, इज अगेन 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 इंड्यूस्ड, इज अगेन सेंट टू ट्रांजिस्टर, अगेन सेंट टू ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफाइड, एंड एम्पलीफाइड, एंड दिस प्रोसेस इज मेंटेन्ड, amplified, and this process is maintained, this is maintained, maintained, इसको बार 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 maintain करते हैं और वो transistor as an oscillator चलता रहता है, अपना काम होता रहता है। अभी आप लोग जब IIT में पहुंच जाएंगे तो इन सब का बहुत बड़ा यूज है। एक्चुअल में ये सब चीजों ने हमारी लाइफ को जो है बहुत से बदल दिया है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, अच्छा इसके एक बात है, मैं इसका एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन और बना दूंगी आपको। चलो वो हम अगले लेक्चर में बनाएंगे, है ना, क्योंकि फिर काफी सारी बातें और करेंगे, हाफ एडर फुल एडर वगैरह की दो चार बातें कर लेंगे हम, तो डेट नेक्स्ट लेक्चर विल बी देयर, राइट, ओके, नमस्ते।